हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन कुड़ी। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं टू बी फ्रैंक, मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ एंड इसका वजह इसलिए है बिकॉज रिसेंटली मैं एक वीडियो देखी हूँ जिसमें मेरे ही धर्म की एक बहन ने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बुरा बातें कहा है। बिकॉज दोस्तों, मैंने भी अपने हिंदू धर्म का ग्रंथ पढ़ा है। जैसे कि आप हिंदू का ही कोई भी रिलीजियस बुक उठा लो, चाहे वो वेदास हो, गीता हो, जो भी, पर मैंने अपने ग्रंथ के स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं पढ़ा है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और के धर्म को नीचा दिखाया जाए, वो भी इतने गंदे तरीके से जिस तरह से इस बहन ने पोर्ट्रे किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे आपसे बस एक दरखास्त रहेगी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सोचिए ना दोस्तों, मैं हिंदू होके मैंने इतने दिनों में जो भी रिएक्शन दिया है, उस दौरान जो भी मैंने इस्लाम के बारे में नॉलेज गैदर किया है, उसमें मुझे एक चीज तो श्योरली पता चल गया कि इस्लाम भी बहुत पीसफुल रिलीजन है, जैसे कि मेरा हिंदू रिलीजन। कि मैं आज अपने वीडियो में, वो बहन ने जो भी अपने वीडियो में बोला है इस्लाम धर्म के खिलाफ, तो मैं उसके कुछ कुछ पॉइंट्स को लेके कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली हूँ जो मुझे मेरे हिसाब से लगा कि सही नहीं है। बिकॉज लास्ट कुछ महीनों में इतना तो वीडियोस बना लिया है कि मुझ में इतना इस्लामिक ज्ञान आ गया है कि उस बहन ने जो कुछ भी इस्लाम धर्म के बारे में गलत बोला है उसको मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, बिना वक्त जाया किए चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो प्ले करती हूँ। हुआ है क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसी पे कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ। चलो, तो दोस्तों, ये बहन ने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब सिर्फ एक ही अल्लाह है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मतलब सिर्फ एक ही रसूल है जिसको मुस्लिम लोग पूछते हैं, मतलब सिर्फ इनके दो ही है जो मुस्लिम लोग पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मुझे जितना पता है कि मुस्लिम लोग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को नहीं पूछते हैं। दे ओनली वर्शिप वन गॉड एंड दैट इज अल्लाह। पर वो ये जरूर मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ही वाज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड नॉट द ओनली मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो बेसिकली इनका पहला पॉइंट ही कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और ये केवल, ये तो अजान है, नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ, अपनी नींद को छोड़ करके आओ, बैठो यहाँ। तो चलिए दोस्तों, इनके जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला है, अब उसको गलत साबित करेंगे हम। तो इन्होंने बोला है कि मुसलमानों को नमाज के लिए 5 टाइम बुलाया जाता है। तो कोई मुसलमान अगर 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है तो हम लोगों के ऊपर तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हर। तो पहली बात, नमाज में, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया इस्लाम के बारे में, तो नमाज में आप लोग कुछ सुरा पढ़ते हैं एंड कुछ कलमा पढ़ते हैं। एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि उन सुरा और कलमाओं में कहीं पे ये नहीं बताया जा रहा है कि आप किसी और धर्म को तलवार से हुकूमत करो। एंड हाँ, ऑल्सो अगर कोई इंसान अपने भगवान को 5 टाइम याद कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? अगर हम लोग अपने माता पिता को डेली बेसिस में आशीर्वाद ले सकते हैं पैर छू के, जिन्होंने हमको पैदा किया है, तो वो मुसलमान ऐसा क्या गलत कर रहे अपने अल्लाह को पूछ के जिन्होंने ये कायनात बनाया है? तो दोस्तों, इनका सेकंड पॉइंट बहुत ही गलत है। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे देखते हैं। बात एक मौलवी बोलता है, एक मौलवी के इशारे पर सब झुकते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है। और आयतें हम क्या समझते हैं? जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। वो नमाज इसीलिए पढ़ रहा है कि हमारा विनाश करना है। अगर हमारा विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति दिन में 5 बार तैयारी करता हो और हर पड़ोसी तैयारी कर रहा हो 5 बार और हमारी नींद ना खुले, तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है, तब तक उनको प्रॉब्लम है, उनको तब तक लगातार
जिहाद करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों इस पॉइंट में ये बहन ने जो बोला है कि 5 बार अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है हमारे खिलाफ जंग छेड़ने के लिए, तो ये गलत है दोस्तों। कि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग जैसे अपने माँ बाप को पूछते सुबह से लेकर शाम तक, तो अगर मुसलमान अपने अल्लाह को पूछ सकते तो इसमें क्या गलत। और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में मुस्लिम आबादी सिर्फ 14 या 15% के लगभग है, और हमारा जो हिंदू धर्म है वो इंडिया में कम से कम 75 से 80% है। अब आप मुझे ये बताओ कि 80% वाले लोगों को 14% वाले लोग कैसे डरा सकते हैं, और उतना बड़ा तादाद के खिलाफ कोई कैसे साजिश रच सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम धर्म में भी किसी और धर्म के खिलाफ गलत बातें करना मना है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी गलत हो गया इनका। चलिए आगे देखते हैं वीडियो। और हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार दुराचार करने के लिए कहा गया है। कोई पढ़कर को देखे उनके, वो रोजा किस लिए रखते हैं? कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है? रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्र के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी, और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे? आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जा करके बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं। अब इन्होंने रमजान के बारे में जो बताया है वो भी सरासर गलत है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने रमजान के दौरान मैंने भी बहुत सारे इस्लामिक वीडियोस बनाए हैं, एंड मैंने थोड़ा सा इस्लामिक स्क्रिप्चर्स भी पढ़ा है। तो रमजान में जो रोजा का मोटिव होता है रखने का वो यही है कि आप रोजा रख के अपने आसपास जो भी गरीब लोग हैं उनको आपका जो रोजा रख के खाना बच रहा है वो उनको दान करो जो गरीब लोग हैं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको ये वाला रोजा का जो बचा हुआ खाना होता है ये सिर्फ मुसलमानों को ही देना होता है। ये आप कोई भी नीडी हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा उनको देना है, तो इनका ये भी पॉइंट गलत है। एंड अगर ये बहन ये बात करना चाह रही है कि रमजान में रोजा रख जो मुसलमान भाई बहन है तंदुरुस्त हो जाते हैं, तो ये भी उनका गलत है। तंदुरुस्त होते हैं सोलफुल तरीके से, ना कि शारीरिक तरीके से। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना दोस्तों, अगर एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक खाना खा रहा है और उसी जगह एक और इंसान सुबह से लेकर शाम तक भूखा है, तो आप ही बताइए ना दोस्तों दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली फील करेगा? ऑब्वियसली ना जिन्होंने खाना खाया है। और इन्होंने जो मुसलमानों के प्रॉफिट के बारे में कहा है कि उन्होंने रमजान के महीने में सबको मारा है, तो आई थिंक इस बहन ने कोई दूसरा ही किताब पढ़ा है ना दोस्तों, क्योंकि रमजान में तो गलत बातें करना तक मना है और खून खराबा तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है इस बहन को इस्लाम के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ नफरत है। ओके दोस्तों मैं कंटिन्यू करती हूँ। और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। हम कहते सर्वधर्म संभव। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल कत्लेआम मचाया हो आज भी हम उनको धार्मिक कह रहे हैं। वो अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे, वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोल। सब चलते दोस्तों इस बात पे कि इन्होंने जो बोला है 5 स्तंभ जो इस्लाम का होता है उस पे बात करते हैं दोस्तों। तो पहला स्तंभ इन्होंने बोला है कि मुसलमान लोग सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं जो कि उनके लिए अल्लाह है। तो फ्रेंड्स ये वाले पूरे लाइन में गलत क्या है दोस्तों? अगर हम हिंदुओं को आजादी दिया गया है कि हम जितने भगवान को पूछना चाहे हम पूछ सकते हैं, तो वैसे ही उनको भी आजादी है कि अगर उनको एक ही भगवान को पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। और इन्होंने ये भी बोला है कि मुसलमान लोग सिर्फ एक गॉड को मानते हैं और दूसरे किसी को नहीं मानते, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और जैसे ये बहन बोल रही
ये इस पॉइंट में कि जो सारे मुसलमान का कौम है ये सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, तो ये तो उनकी मर्जी है, तो वो लोग तो दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रहे, वो अपने रिलीजन के बारे में जो सोचते हैं सोचने दीजिए ना। एंड दोस्तों मैं इस बहन को एक चीज ही बोलना चाहूंगी, ये अगर मुस्लिम्स के बारे में इतना बुरा बोल रही है तो अल्टीमेटली जो भी पाप लग रहा है इसी बहन को लग रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप दूसरे कम्युनिटी के लोग को डिग्रेड करो या बदनाम करो, क्योंकि इससे आपके ऊपर ही पाप चढ़ रहा है, ये वेदास में भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों ये लेडी जो है अपने धर्म को ही नहीं मान रही है, जो कि हिंदू धर्म है, मेरा भी वही धर्म है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ती हूँ। बोलेंगे वो इंग्लिश बोलेंगे, लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है जब तक एक भी काफिर जिंदा है अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम और अगली पंक्ति जोड़ दी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर, हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा। वो आदमी को देखो इससे गुस्सा और आ रहा है मुझे, हमने ईश्वर के बराबर अल्लाह को रख दिया। अरे हमारा ईश्वर दयालु है, कृपा करता है, परंतु अल्लाह का आदेश है, कहाँ पढ़ोगे। फ्रेंड्स मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को जैसे हमारे हिंदू ही रिलीजन के लोगों को काफिर जो वर्ड ही है उसका मतलब लगता है कि कोई गाली है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। काफिर मतलब ये होता है जो कि अल्लाह को नहीं पूछता, तो अगर मैं अल्लाह को नहीं पूछूंगी तो मैं काफिर हुई। ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान अगर गॉड को नहीं पूछता है तो वो एथिस्ट हुआ ना। फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट ये बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसके बाद जो लाइन आते ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो ये जो पूरा श्लोक है तो उनके बारे में उन्होंने जो बोला है उसमें उनका प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारे हिंदू के श्लोक में कि अल्लाह का नाम कैसे लिखा है। तो अगर हमारे श्लोक में अल्लाह का जिक्र किया गया है तो उनके भी श्लोक में हिंदू गॉड का जिक्र होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जितना मुझे पता है ये वाला श्लोक तुलसीदास ने लिखा है, वो भी रामचरितमानस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक इंसान ने लिखा है, तो ये किसी भी भगवान या ईश्वर की तरफ से नहीं आया है। तो अगर मैं बात करूं ऐसे तो बॉलीवुड में कई सारे सॉन्ग्स है जिसमें अल्लाह का नाम भगवान से जोड़ा गया और भगवान का नाम अल्लाह से जोड़ा गया, यहाँ तक कि माता पिता का नाम भी भगवान से जोड़ा गया, भगवान का नाम भी माता पिता से जोड़ा गया है। बॉटम लाइन यही है कि वो भी एक लिरिसिस्ट ने लिखा है जो कि एक इंसान ही है, और इंसान अपने ही इमोशन में आके जो भी कुछ लिखता है या क्रिएट करता है वो उसका ही रचना होता है, जस्ट लाइक तुलसीदास। तो इनका ये पॉइंट भी गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। साफ आदेश है जो मेरे को नहीं मानता, जो जिब्राइल मिकाइल को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर वाजिबुल कत्ल है, वो कटने योग्य है। इतना ही नहीं, कहा जब रमजान का महीना खत्म हो जाए इनको घात लगा करके मारो। पढ़ो सूरा तौबा, पढ़ो सूरा अल बकरा, सारी की सारी कुरान की सारी ये आयतें पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है इस बहन को काफी प्रॉब्लम हो रही है एक चीज से, वो है काफिर वर्ड से। तो चलो फ्रेंड्स अगर काफिर को सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो मतलब नॉन मुस्लिम्स। ऑब्वियसली हम हिंदू लोग अगर अल्लाह को नहीं मानते हैं, जिब्राइल को नहीं मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते हैं, तो हम लोग बेसिकली नॉन मुस्लिम्स है। तो जैसे नॉन मुस्लिम्स को इंग्लिश में नॉन मुस्लिम्स से डिनोट किया जाता है, सिमिलरली अरेबिक में उनको काफिर बुलाया जाता है, काफिर वर्ड दिया है। तो मुझे जो लगता है हिंदू में कुछ कुछ मिसकंसेप्शन जिन लोगों में है कि काफिर का वर्ड इट साउंड सिमिलर टू कायर, तो क्या पता वो लोग सोचते हैं काफिर मतलब कायर होंगे, तो इसीलिए उन लोगों को ये गाली टाइप्स का कुछ लगता है। पर दोस्तों मुझे अभी पता चल चुका है कि काफिर का ओनली मीनिंग है नॉन मुस्लिम्स। कहानी खत्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों, यदि उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ जैसी होती तो वहाँ पर सब लोग जा सकते थे, केवल मुसलमान ही क्यों जाते हैं। आज उनके ऊपर वो वहाँ से हमारे भाई पैसा भेजते हैं और वहाँ से वो अपनी सभ्यता को भेजते हैं। उनको कोई एम्बेसी में राजदूत भेजने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में आप हमारे अरबी कल्चर का प्रचार कीजिए। ये सारे बढ़ाए हुए दाढ़ी, ये सारे ऊंचा पजामा और नीचा कुर्ता पहन करके सारे वहाँ से सीख करके आते हैं और अपने यहाँ पर आकर के सिखाते हैं। याद रखो सब मिट्टी का ये धर्म और आबरू भी जाएगी, तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। यदि आज नहीं जागे
तो फ्रेंड्स अब इन्होंने हज के बारे में बोला है, तो मैं बता दूं कि हज इज ओनली वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें कि एक मुसलमान को हज करना जरूरी है जब वो अपनी दुनिया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर चुका है, अपने बेटी का शादी कर चुका होता है या फिर अपने बेटों को बेटा बेटी को अच्छे से सेटल कर चुका होता है। और हज वो लोग इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो भी बचा कुचा जिंदगी है अल्लाह के प्रति न्यौछावर कर दे। तो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट भी गलत साबित हुआ। खिलाफत का मिनी ट्रायल है ये नमाज, इसलिए कहता है कि एक खलीफा बैठाएंगे और उसका राज चलेगा। ये पहले भी हमारा देश आजादी के लिए जूझ रहा था और सारा मुस्लिम जगत खलीफा के लिए जूझ रहा था। इतिहास पढ़ करके देखो, मालाबार में जो युद्ध हुआ, हमारे लोग जो मारे गए वहाँ की महिलाओं के साथ, क्योंकि खिलाफत आंदोलन फेल हो गया। टर्की में खलीफा था, उसकी खलीफाई चली गई, खलीफा छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। वहां से इनको गुस्सा आया, आक्रोश हमारे हिंदू माताओं बहनों के ऊपर निकाला। वो जो लेडी रीडिंग को पत्र लिखा था हमारी हिंदू महिलाओं ने, कभी पढ़कर देखो, उन्होंने लिखा हमारी कितनी दुर्दशा हुई है। हमारे सामने हमारे बच्चों को, दूध मुहे बच्चों को भाले की नोक पर उछाल करके ऊपर टांग दिया गया। हमारी बेटियों माताओं के साथ में बलात्कार हुए, एक एक माता का बलात्कार करने के लिए 10-10 जिहादी थे, और वो 10-10 जिहादी के बीच में फंसी हुई महिला ये सोच रही थी किसके लिए दुख मनाऊं, अपने बेटे के लिए या मेरे शरीर के लिए। और फ्रेंड्स इन्होंने अभी ये बात बोला है, इंडिया में बहुत सारे जो रेप्स हो रहे हैं वो मुसलमान के जरिए हो रहे हैं, कि मुसलमान लोगों ने रेप का वो फैला दिया है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लो, जितने भी एक दिन में या महीनों में रेप होते हैं उसमें ज्यादातर रेप करने वाला एक नॉन मुस्लिम होता है। तो फ्रेंड्स इनका ये बात कि मुसलमान लोग रेपिस्ट है ये भी गलत है। ऐसी भयंकर स्थिति है, और ये केवल एक आकस्मिक घटनाएं नहीं है, ये सब ऊपर से सिखाया हुआ है। भाइयों आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए इसको, अपनी बहनों को, माताओं, बेटियों, बच्चों को बताइए। नीति कृष्ण कहता है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे। इतना श्लोक इधर से इसको, ये इतना श्लोक का प्रॉपर नॉलेज है, और आई डोंट नो यहाँ से नॉलेज जो बांट रही है एकदम आई डोंट नो जाहिल की तरह बात कर रही है। तो बेसिकली मुझे जो लगता है फ्रेंड्स, इस औरत को तो हिंदू धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जो हिंदू धर्म मैं मानती हूँ उस हिंदू धर्म में किसी और धर्म के बारे में गलत बातें बोलना या फिर दूसरे धर्म को नीचा दिखाना भी पूरी तरीके से मना है। ये हिंदू हो के भी एक हिंदू नहीं बन पाई, क्योंकि बॉटम पॉइंट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म भी एक इक्वली पीसफुल धर्म है जितना कि एक इस्लामिक धर्म है। बट फ्रेंड्स इनके स्पीच से तो ये ज्यादा साबित हो पा रहा है कि हिंदू धर्म वॉयलेंट टाइप का धर्म है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। जितना आपका इस्लामिक धर्म पीसफुल है उतना ही इक्वली पीसफुल धर्म हिंदू भी है दोस्तों। बस एक दो गिने चुने लोगों की वजह से पूरे धर्म को तो हम लोग दोष नहीं ठहरा सकते ना। मुझे जो लगता है इस औरत को रिलीजन रिलेटेड कुछ नॉलेज नहीं है, उसको कुछ वास्ता भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये सब ये पॉलिटिक्स के लिए कर रही है, अपना पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। मैं एक हिंदू होकर अगर मैं इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन देके इस्लाम के बारे में अच्छाई जान पा रही हूं, तो इसमें मुझे लगा कि ये वाला वीडियो जो है इस पे मुझे रिएक्शन तो देना बनता है ना दोस्तों। बिकॉज जो ये औरत सोच रही हिंदू होके, दैट इज नॉट एवरीवन, एवरी जो हिंदू है उनका ये मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसीलिए मेरी गुजारिश है दोस्तों, प्लीज आप लोग हिंदू धर्म के बारे में बुरा मत सोचिएगा जस्ट बिकॉज एक दो गिने चुने लोग ऐसे टाइप्स के जो ये बहन बोल रही है। बिकॉज मुझे पता है हर एक धर्म में ऐसे एक दो लोग तो आ ही जाते हैं, बट इन लोगों की वजह से हम लोग पूरे धर्म को तो बुरा नहीं बोल सकते है ना दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि मेरे हिंदू भाई बहन ये जाने कि इस्लाम भी एक पीसफुल धर्म है, एट द सेम टाइम ये जो गलत बोली है ये औरत ने। तो दोस्तों मेरे जो व्यूअर्स है ज्यादातर मुसलमान है, तो आप लोगों को प्लीज ये ना लगना चाहिए कि हिंदू धर्म भी काफी बुरा है, वायलेंट है और आप लोगों की तरफ गलत सोचता है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल बेसिकली मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी ये वीडियो देख के, एंड मुझे लगा इस पे रिएक्शन बनता है दोस्तों। रिएक्शन क्या, मुझे बोलना था मेरा जो
दिली ख्वाहिश था मतलब ये आप लोगों तक पहुंचाने का कि ये वीडियो में जो जो दिखाया है क्या क्या रॉन्ग बोला गया है। आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया होगा, है ना दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल अगर आपको मेरा और भी वीडियोस देखना है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को मेरा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आते रहे। टाटा, हैव अ नाइस डे एंड डू स्टे सेफ।